नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और समाचार एक्सप्रेस पर स्वागत करती हूं आपका आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर है सीएम सिटी करनाल की। यह खबर आपको अचंभित जरूर करेगी क्योंकि खबर करनाल के एक बड़े शिक्षण संस्थान से जुड़ी है। समाचार एक्सप्रेस का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और किसी भी शिक्षण संस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का नहीं है, लेकिन जब बात नियमों की आती हो तो उसका जिक्र करना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि कोई भी शिक्षण संस्थान अपने आप में एक बड़ा नियमों का पालक होता है, क्योंकि शिक्षण संस्थान में आने वाले छात्र छात्राओं को सबसे पहले नियमों के कायदे बताए जाते हैं। और यह सच भी है कि यदि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो खासतौर पर शिक्षण संस्थान में रहते हुए कायदे और नियम नहीं सीखेंगे तो आगे चलकर जीवन में भी बिना नियमों के चलना सीख जाएंगे, जिसका लाभ पूरी जिंदगी कतई नहीं मिलेगा। हम शिक्षण संस्थान में छात्रों को नियम और कायदों के गुर सिखाएंगे और खुद बेनियम हो जाएं तो बात बिल्कुल नहीं जचती। यह खबर भी नियम और कायदे से जुड़ी है, जिसका खुलासा करना अहम हो जाता है, क्योंकि हम खबर छिपाते नहीं, दिखाते हैं। जी हाँ, यह खबर करनाल के नामी गिरामी शिक्षण संस्थान DAVPG कॉलेज से जुड़ी है। यह कॉलेज बस स्टैंड के पीछे नगर निगम कार्यालय के थोड़ा आगे मौजूद है। कॉलेज के बाहर की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। हो सकता है इसी कॉलेज में आप जैसे कई छात्र भी पढ़ते होंगे। सरकारी शिक्षण संस्थान चलाने में वित्तीय मदद करती है, खासतौर पर केंद्र की सरकार भी निर्माण कार्यों में बड़ा भारी अनुदान भी देती है। यदि आने वाला अनुदान नियमों के अनुरूप खर्च ना किया गया हो तो उस पर सवाल उठने लाजमी है। हम यहाँ ना तो कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं और ना ही किसी और मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम यहाँ अनुदान से जुड़े नियम और कायदे की बात कर रहे हैं। यदि केंद्र सरकार किसी हॉस्टल के निर्माण के लिए अनुदान दे दे तो क्या उस अनुदान से बने हॉस्टल की जगह कॉलेज अन्य विषयों की कक्षाएं लगा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के नियम और कायदे इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन हम इसी DAVPG कॉलेज के एक ऐसे ही निर्माण का आज खुलासा कर रहे हैं जिसमें कायदे और नियमों की भारी अवहेलना हो गई है। कुछ साल पहले केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत UGC संस्था ने इसी कॉलेज में छात्राओं के रहने के लिए बनने वाले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए करीब करीब 50 लाख से भी अधिक की राशि हॉस्टल निर्माण के लिए मंजूर की गई थी। उस समय कॉलेज में YP शर्मा बतौर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। जब UGC ने पैसे को मंजूरी दे दी तो कॉलेज ने गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण भी शुरू कर दिया। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए राशि मंजूर की गई थी, आज वहां कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लॉक चल रहा है। तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। यह कॉलेज के भीतर उसी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लॉक का दृश्य है, जहां यह ब्लॉक नहीं बल्कि छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए था। दरअसल कुछ दिन पहले समाचार एक्सप्रेस की टीम कॉलेज में किए गए ताजा तरीन निर्माण तथा आधुनिक रूप से बनाई गई लाइब्रेरी तथा आधुनिक लैबों की खबर करने के लिए पहुंची थी। हमने उस खबर को भी विस्तार से दिखाया था और कॉलेज प्रबंधों की समीक्षा करते हुए कार्यों की तारीफ भी की थी। लेकिन स्टोरी कवर करने के दौरान ही वहां कार्यरत मौजूद प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी के हाव और भाव ने हमें सकते में डाल दिया। लेकिन हमने जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि जिस ब्लॉक में हम खड़े थे वहां लड़कियों के लिए छात्रावास बनाया जाना था और उसके लिए बकायदा UGC ने लाखों की ग्रांट दी थी। बस फिर हम भी इस बात का पता लगाने में जुट गए कि कॉलेज के प्रिंसिपल कवर करने के दौरान यह क्यों बोल रहे थे कि यहां पर हॉस्टल का निर्माण भी करना है। समाचार एक्सप्रेस के हाथ जब कुछ सबूत लगे तो समाचार एक्सप्रेस की टीम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इस बात का पता लगाने पहुंच गई। क्या वास्तव में निर्माण के बाद कोई कमेटी इस DAVPC कॉलेज में पहुंची थी? हमें जब पुख्ता पता लगा तो हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस के कार्यालय में पहुंच गए। हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस से बात की तो हमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर रजनीश शर्मा ने जो बताया उसे सुनकर हम खुद भी हैरान हो गए। आप भी सुन लीजिए कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर रजनीश शर्मा ने समाचार एक्सप्रेस की टीम को क्या बताया। नमस्कार, मैं हूँ हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज हम हैं इस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मौजूद और हमारे साथ हैं
डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर आर के शर्मा जी। आज हम अपने कुछ सवालों का जवाब लेने डॉक्टर आर के शर्मा जी के पास आए हैं। शर्मा जी स्वागत है सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस पर। हाँ जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका भी। डॉक्टर साहब जब आप डीएवी कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए गए होंगे, जो यूजीसी द्वारा जो ग्रांट मिली गर्ल हॉस्टल की, तो उसमें आपने बकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई होगी, तो क्या था उसमें? हमने वहाँ पूरी तरह से मैंने उनको कहा था कि मुझे पूरी वीडियोग्राफी करवानी है और हर चीज़ जो है प्रॉपर होनी चाहिए, अगर वो प्रॉपर नहीं होगी तो हम उस पर कभी भी साइन नहीं करेंगे जी। तो जब हम वहाँ गए तो प्रॉपर वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफर भी था, फोटोग्राफी कैमरा वाले भी थे, शायद प्रेस के भी थे एक दो आदमी, तो उन्होंने पूरा राउंड लगवाया। वहाँ कमरों में भी हम विजिट किया, कमरों में चार चार, एक में दो दो बेड लगे थे, कुछ में चार चार बेड लगे हुए थे, और मेस में बड़ा टेबल लगा था, चेयर्स लगी हुई थी, और वहाँ मेस में बैठ के ही उन्होंने हमें चाय पानी वगैरह हमने वहाँ पिया। जैसे आपने डीएवी कॉलेज करनाल का जिक्र किया कि आप गए थे, क्या आपने दोबारा जाके चेक किया कि वो बिल्डिंग वाकई में जो आपने बताया हॉस्टल के लिए, गर्ल्स हॉस्टल के लिए इस्तेमाल ही है या उसका कोई और यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं, मैं तो देखो दोबारा नहीं गया, ना ही कोई मुझे उसकी कहीं ज़रूरत पड़ी, क्यों कि ना कहीं से कोई कंप्लेंट थी, ना कोई ऐसी कोई बात थी। आपने सुन लिया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर रजनीश शर्मा ने साफ साफ कहा कि वह खुद जांच करने के लिए डीएवीपीजी कॉलेज करनाल आए थे। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि बकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जांच के दौरान करनाल पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सियन व एसडीओ भी मौजूद थे। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय जांच के दौरान वहां गर्ल्स हॉस्टल था, लेकिन जब समाचार एक्सप्रेस की टीम ने स्टोरी कवर की तो वहां गर्ल्स हॉस्टल नहीं बल्कि गर्ल्स हॉस्टल की जगह कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लॉक मौजूद था। आखिर फिर कहां लापता हो गया गर्ल्स हॉस्टल? अब सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि जिस गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण को जांच के दौरान दिखाया गया था, क्या उसका नक्शा नगर निगम या नगर परिषद में जमा करवाया गया था? क्या जांच करने आई टीम को पास नक्शे की कॉपी दी गई थी? इस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूजीसी द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि के निर्माण से पहले उसका नक्शा बनाया जाना अनिवार्य होता है। हम जब डीएवीपीजी कॉलेज करनाल को कवर कर रहे थे तो उस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस पर पर्दा ढकने की कोशिश तो भरपूर की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। आइए अब आपको दिखाते हैं डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी का वह बयान जो उन्होंने कुछ दिन पहले समाचार एक्सप्रेस की टीम को दिया था। पहले आप भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। सैनी साहब आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। ये कॉमर्स ब्लॉक कॉमर्स की भी लगा सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि ये नया ब्लॉक था, खाली है हमारे पास, इसमें हमने कॉमर्स की कक्षाएं लगा रखी है। 18-20 रूम होंगे। तो सेमिनार हॉल जो सामने नजर आ रहा है मेरे को, ये इसका पर्पज क्या है? सेमिनार हॉल का पर्पज होना ही चाहिए, मतलब कोई किसी भी कॉलेज में कोई भी कार्यक्रम करना है तो वो होना ही चाहिए कार्यक्रम में। मतलब सेमिनार, अगर आप सेमिनार आ जाए तो हम अंदर यहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, ये है तो 200 बच्चा बैठ सकते हैं? बैठ सकता है बिल्कुल। हाँ जी, एसी वगैरह भी लगे हैं, पंखे लगे, हाँ सब कुछ है, सारा कुछ है। ठीक है, यहाँ भी प्रोजेक्टर वगैरह लगाए हैं आपने? सारा सब कुछ है। तो ये किससे संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है या ये एंजॉयमेंट से भी संबंधित है? नहीं, पढ़ाई से भी संबंधित, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो करवाई जा सकती है। अच्छा, हर तरह की? हाँ, कोई भी, देखो अगर कॉलेज में कोई फैसिलिटी होती है तो उसको हम किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो ये क्लासरूम के रूप में भी यूज किया जा सकता है, ये मेस के रूप में भी यूज किया जा सकता है, अगर इसको हम, हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था भी है, अगर हम उसको हॉस्टल के रूप में अगर बच्चे हमारे एडमिशन लेते हैं तो हम मेस के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, हम इसको बच्चों के कॉन्फ्रेंस रूम के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक कोई खाली चीज़ है उसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे जिमनेजियम है, हमने वहाँ बना रखा है, तो जिमनेजियम को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आपका कल का प्रोग्राम हो रहा है? हाँ, हमने कर लिया, बरसात थी, वो नशा मुक्ति से संबंधित कार्यक्रम था। अब
नहीं, हमारे अपने यहीं करनाल से नवचेतना मंच के लोग थे, सामाजिक संस्थाएं थी और डीएवी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम तो बाहर था वो रखा हुआ, लेकिन बरसात आ गई। अब बरसात आ गई तो हमने फिर यहाँ जो हमारे पास खाली जगह है वहाँ हम उसको यूज कर लेते हैं, इसलिए ये कोई बाइफरकेट नहीं किया जा सकता किसी भी ब्लॉक को। हम कहीं भी हो सकता है, हम उधर वाली साइड में कहीं कॉमर्स ब्लॉक वहाँ कर लें, वहाँ था भी वहीं पे पहले हमारा ये, इसलिए ये कोई यहाँ कोई पक्का परमानेंट कॉमर्स ब्लॉक नहीं है। वैसे जो है हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हम कल को इसको हॉस्टल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास बच्चे आते हैं। हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल की भी सुविधा है, हमने एडवर्टाइजमेंट भी की थी, तो हम बेसिकली तो इसको गर्ल्स हॉस्टल के पर्पज से यूज करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एडमिशन उतने हो जाते हैं तो हम इसको हॉस्टल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और तब तो खाली पड़ी है तो हमने यहाँ जो है इस रूप में यूज कर लिया इसको। बिल्डिंग को सरकार का, क्योंकि हम दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, काम आनी चाहिए। बिल्डिंग जो बन जाती है, बिल्डिंग बनने के बाद आप उसको बच्चों की भविष्य उसकी भलाई के लिए बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, हम दुकानें नहीं चला सकते इसमें, लेकिन अगर बच्चे हैं तो हम इसको खाली जगह पड़ी है तो नहीं उस तरीके से यूज करी, दूसरे तरीके से यूज करी। जब आने वाले समय में मैं इसको गर्ल हॉस्टल के रूप में ही हम बनाना चाहते हैं, और आने वाले समय में अगर बच्चों के एडमिशन होंगे तो हमारा ये गर्ल्स हॉस्टल के रूप में हम इसको रखेंगे। सर जी, अभी अपने कॉलेज में कितने बच्चे हैं? हमारे पास जी 1900 के करीब विद्यार्थी हैं। ठीक है, बाहर से भी हैं कुछ? बाहर से कैसे मतलब? आउट ऑफ करनाल? आउट ऑफ करनाल भी हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करनाल के नियर अबाउट 20-30 किलोमीटर से तो आते ही हैं, कैथल तक से बच्चे आते हैं। पीजी वगैरह में रहते होंगे? हाँ नहीं, ऐसा है बच्चे अप डाउन ही करते हैं। ठीक है, बच्चे जो हैं अपने पास बनवा लेते हैं क्योंकि पास की सुविधा है, लेकिन पिछले साल कुछ एक विद्यार्थी ऐसे भी थे, लड़कियों का खासकर, लड़कियों की कोई समस्या नहीं है, लड़कियों को अप डाउन में दिक्कत आती है, बाहर से यूपी से भी बच्चे आते हैं और भी आते हैं विद्यार्थी, और हम ये चाहते हैं कि हम एक बहुत अच्छा हॉस्टल सस्ते उस पे बिल्कुल बच्चों लड़कियों के लिए वो प्रोवाइड करवाएं, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था हो सारा कुछ, यही ये हमने बिल्डिंग असल में वास्तव में इसी पर्पज के लिए तैयार कर रखी है, और हम इसको आने वाले टाइम में यूज भी करेंगे। अगर हमारे गर्ल्स बच्चे एडमिशन लेते हैं ऐसे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, तो हम उनको बहुत मिनिमम उस पे जो है प्रोवाइड करवाएंगे। पीजी कॉलेज कॉमर्स ब्लॉक्स, ये कॉलेज की बिल्कुल बैक साइड में है और ये काफ़ी जगह बढ़ा दी गई है, ये बी कॉम और एम कॉम के लड़के यहाँ छात्र छात्राएँ यहाँ के पढ़ते हैं। यहाँ नियर अबाउट जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है करीब 15-20 कमरे से भी शायद 2 डज़न से अधिक कमरे हैं, और ये इसमें कई सुविधाएं हैं, छोटे नहीं हैं बहुत बड़े हैं, यानी कि हाल की तरह हैं ये देख लीजिए, यानी कि कॉमर्स ब्लॉक में इतने बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं छात्रों के लेक्चर के लिए। आपने प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी का बयान तो सुन लिया होगा, यह बयान भी उन्हीं दिनों का है जब समाचार एक्सप्रेस की टीम स्टोरी कवर करने के लिए डीएवीपीजी कॉलेज पहुंची थी। स्टोरी संकलन के दौरान ही कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी ने अचानक टीम के सदस्यों के साथ एक अजीब किस्म का बचकाना बर्ताव भी किया। एक बार तो समाचार एक्सप्रेस की टीम भी सकते में पड़ गई कि अचानक आखिर प्रिंसिपल को हुआ क्या है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक कॉलेज के प्रिंसिपल को ऐसा क्यों करेंगे, शायद आपको इसका यकीन ना हो, लेकिन हम आपको अब यह ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जो स्टोरी प्रसारित होने के बाद खुद प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी ने समाचार एक्सप्रेस के एमडी अनिल लांबा से धन्यवाद करते हुए कही थी। अब आप भी सुन लीजिए यह ऑडियो ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि समाचार एक्सप्रेस सही बोल रहा है, क्योंकि हम छिपाते नहीं दिखाते हैं। हाँ जी, जी सर, हाँ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप तो पता नहीं कैसे एकदम क्या हो गया, मगर समझ नहीं, वो कोई बात नहीं, कई बार ना इम्प्रेशन मेरा दिमाग कहीं और घूम गया था, मैं तो समझ नहीं पाया, मैं पता नहीं क्या हो गया, मैं तो अच्छे के लिए आया था, सॉरी मैं बताऊंगा आपको, बात कुछ और थी। वो ना कई तरह के प्राणी होते हैं ना, लोग वो मिसगाइड कर देते हैं कई बार। नहीं जी नहीं, मैं तो कोई मिसगाइड कुछ नहीं हुआ, जो आप बोल रहे थे वो ही बोल रहे थे बस। बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं आपने बहुत ही अच्छे से ये तो मदद की है किस्म से आपने इंस्टीट्यूशन की भी, और जो सही संदेश है बहुत बढ़िया आपने दिया है। जी जी, इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई, और मेरे लिए कभी भी कोई भी सेवा हो मैं भी अग्रणी हूँ, ऐसी बात नहीं, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग भी, आप लोगों की ना बहुत जिम्मेदारी है
हमारे से भी ज्यादा जी जी, क्योंकि हम तो जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं जी जी जी। लेकिन आप लोग जो आगे पहुंचाते हैं ना समाज में देश में कोई चीज जी जी, वो सही दिशा में अगर जाए ना सही जाए बढ़िया तरीके से तो जी जी। हमारा तो सबका मोटिव यही था भाई, सरकार से कोई अनुदान आया वो ही पूछा था हमने, और तो कुछ पूछे नहीं। पता नहीं आ रहा नहीं, पता क्या था जी मैं बताऊं क्या है बात जी। ऐसा होता है कई बार सरकार से, तो क्योंकि सारा ही सामान ये सरकार का ही लग रहा है इसमें जी जी जी। भी बिल्डिंग है बनती है अपने पल्ले का, इलेक्ट्रिसिटी को भी मुख्यमंत्री ने दे दिया जी जी, बीजेपी से आ गया जी जी, वो यूटिलाइज ठीक तरीके से किया जाना चाहिए, कमर्शियल होना चाहिए जी जी। क्योंकि हम हमें ये होता है ना कई बार हम किसी चीज का निर्माण तो कभी करते हैं जी जी, लेकिन वो उस टाइम में हो सका वो 6 महीने बाद यूज की जाए जी, इतना वो खाली पड़ी है कोई चीज भाई उसकी जगह कहीं और यूज कर लियो जी जी, बस जी जी। पर इतना और कुछ और तो हम कुछ कर नहीं सकते जी, बिल्डिंग बना ली जी, खाली पड़ी है वो भाई, तो वहाँ उसमें कॉमर्स की क्लास लगाई, पॉलिटिकल साइंस की लगा ली, उसकी नहीं लगाई कोई, कंप्यूटर की लगा ली भाई, जब तक वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है इतनी है बस। चलो ठीक है जी, ठीक है, आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आप कभी भी आए जी जी मिले जी, थैंक यू। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि यूजीसी को धोखे में क्यों रखा गया। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर रजनीश शर्मा को इंस्पेक्शन के दौरान गर्ल्स हॉस्टल किस लिए दिखाया गया। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि कुछ महीने पहले कॉलेज में आई टीम को जो गर्ल्स हॉस्टल दिखाया गया था वह अब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लॉक में तब्दील क्यों हो गया। क्या गर्ल्स हॉस्टल के लिए छात्राओं से कोई फीस ली गई थी? यदि ली गई थी तो वह फीस है कहां पर? सवाल यह भी उठ रहा है कि उस समय जांच टीम को आखिर कॉलेज के प्रिंसिपल ने गुमराह क्यों किया। यहां यह भी सवाल उठ रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के बाद किसे वार्डन नियुक्त किया गया था, अब वह वार्डन कहां है। सवाल यह भी खड़े हो रही है कि क्या यूजीसी को इस बात का इलम भी है कि गर्ल्स हॉस्टल अब कॉलेज में मौजूद नहीं है। जांच का विषय यह भी है कि क्या यूजीसी अब इस पर कोई कार्यवाही करेगा, इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस डीएवीपीजी कॉलेज करनाल में अब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लॉक स्थापित किया गया है, क्या इसकी इजाजत यूजीसी से ली गई है या नहीं। यदि ली गई है तो फिर यूजीसी को भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार से जो ग्रांट जिस निर्माण के लिए मांगी गई हो तो वहां गर्ल्स हॉस्टल की जगह अन्य विषयों की कक्षाएं लगाई जा सकती हैं। यदि नहीं तो अब यूजीसी बताए कि वह अब इस मामले में क्या एक्शन लेने जा रही है। समाचार एक्सप्रेस इस बात का भी पता लगाएगा कि क्या इस निर्माण का नक्शा बनवाया गया था या यह नक्शा नगर परिषद अथवा नगर निगम से मंजूर करवाया गया था, इस बात का पता भी समाचार एक्सप्रेस लगाएगा। समाचार एक्सप्रेस जल्द ही इसका खुलासा भी करेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ समाचार एक्सप्रेस पर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।